के मथुरा जिले के वृंदावन इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब कोतवाली इलाके के जगदीश धाम में एक दंपत्ति ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बेहोशी की हालत में दंपत्ति को देख होटल स्टाफ के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने आनन-फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कमरे में बेहोशी की हालत में महिला गिरी हुई है। वहीं कमरे के बाथरूम में युवक बेहोश मिला। इसके बाद दोनों बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाया गया। यहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं बेहोशी की हालत में मिलने पर पुरुष का इलाज शुरू कर दिया गया। फिलहाल अभी युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। जगदीश धाम होटल के कमरा नंबर 105 में दंपत्ति द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पर एसपी सिटी अशोक कुमार मीना व फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। एसपी सिटी ने यहां घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल की। वहीं होटल के कमरे से लेकर सीसीटीवी रजिस्टर आदि खंगाले और फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य संकलन किए। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एसपी सिटी अशोक कुमार मीना ने बताया कि आत्महत्या करने वाले दंपत्ति दिल्ली के रहने वाले हैं। फोन के जरिए महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के पहुंचने के बाद ही इस बात से पर्दा उठ पाएगा कि आखिर इन लोगों ने किन कारणों से आत्महत्या करने की कोशिश की है। मौके पर कोई विरोध के हालत ना होना, साथ ही विषैले पदार्थ को खाकर उल्टी करने के हालातों को देख पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। सर, एक होटल के कमरे में एक पुरुष और महिला बेहोशी हालत में थे, क्या मामला हुआ? ये जगदीश धाम जो कि वृंदावन में स्थित है, यहाँ पर आज करीब 8:30 बजे PRV को एक सूचना मिली थी कि इनका जो रूम है, रूम नंबर 105 के अंदर कि एक महिला और एक पुरुष है जो कि बेहोशी की हालत में है, तो इन्होंने उसकी सूचना दी। तुरंत से मौके पे पुलिस आई और रूम को जब देखा गया तो महिला वहीं पे नीचे गिरी मिली थी और जो पुरुष था वो टॉयलेट के अंदर मिला था। दोनों को तुरंत से अस्पताल भेजा गया, सोसैया अस्पताल में, तो वहाँ पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया और जो पुरुष था उसकी हालत गंभीर थी, उसे तुरंत आगरा रेफर कर दिया गया है जहाँ पे उसका उपचार चल रहा है। यहाँ पर जब देखा गया रूम के अंदर तो यहाँ पर बेड के ऊपर वॉमिटिंग भी है, दोनों के शरीर पे कोई भी स्ट्रगलिंग मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है और दिन में इन्होंने करीब 2:30 बजे चेक इन किया था। इनके मोबाइल्स और इनके जो आई कार्ड दिए गए हैं उनसे डिटेल मालूम की जा रही है और महिला के जो घर वाले उनसे बात की गई है, वो संभवतः वह सुबह तक यहाँ पर आ भी जाएंगे और आगे की डिटेल के बारे में जानकारी की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, कैसे बेहोशी? जैसा कि क्राइम सीन को देखा गया है कि दोनों बेहोशी की हालत में थे और वहाँ पे वोमिटिंग भी है, कोई स्ट्रगलिंग मार्क्स किसी के ऊपर नहीं है और फोर्स्ड एंट्री कोई ऐसा नहीं था, पुलिस को सूचना दी गई थी, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड का मामला है। बाकी डॉक्टर से बात की गई है और इनका जो स्टमक वॉश है वो ले लिया गया है। FSL टीम ने यहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।